आज हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने क्यूरी के बारे में, इंसर्ट क्यूरी के बारे में, कि अगर आपको डेटा इंसर्ट करवाना हो तो इंसर्ट क्यूरी कैसे वर्क करेंगे। दूसरा, हम किसी भी क्यूरी को डीबीए के थ्रू कैसे रन करेंगे, राइट। तो आपके सामने मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मुझे डेटा डालना है, इस टेबल में क्या करना है, डेटा डालना। तो इसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे, यहां पे डिजाइन, और यहां पे एसक्यूएल व्यू में आएंगे, ठीक है। और यहां जो होगा, यहां पे जो कैपिटल में डालेगा ध्यान रखिएगा, इंसर्ट इनटू, जैसे कि हमने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, इसके डिजाइन में भी देख सकते हैं ना। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो टेबल का नेम है जैसे डेटा, और फिर इसके बाद यहां पे सारे फील्ड, जो फील्ड के नेम है वो आप यहां पे कॉमा करके देखेंगे, कॉमा मोबाइल, कॉमा, और यहां पे अमाउंट। ये हो गई कि हमें किस किस फील्ड में डालना है। फिर यहां पे आता है हमारा वैल्यूज, इसको भी हमें कैपिटल में लिखना है, और वैल्यूज के अंदर में जो वैल्यू डालना है, जैसे नाम में मैं यहां पे ओम लिखता हूं, तो टेक्स्ट जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा, ठीक है। और नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसीलिए मैं अगर इसकी डेटा सेट व्यू पे जाऊं और इंसर्ट इनटू, तो सर यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब देख सकते हैं डेटा एंट्री हो गया, इसको हम एक बार सेव करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे डेटा एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसकी एंट्री हम ऐसे क्यों करें, हम एक फॉर्म से करेंगे ना, क्या सर? एक फॉर्म से करेंगे, तो जल्दी जी से हाँ, फॉर्म में यूज करते हैं। जी हाँ। तो हम आते हैं डिजाइन फॉर्म में, सॉरी, क्रिएट डिजाइन फॉर्म, और यहां पे आप अपने हिसाब से अच्छे से डिजाइन कीजिएगा। मैं यहां पे बस एक रफली डिजाइन करता हूं, ठीक है। तो ठीक है। यहां पे हमने कर दिया सी नेम, मोबाइल, और फिर यहां पे हम अमाउंट एमा, ठीक है। ठीक और इसको लिंक करना है, थोड़ा तो सा नाम सिंपल होगा तो अच्छा रहेगा। इसका नाम सीएम कर देते हैं, सीएम, इसका नाम एमबी कर देते हैं, ठीक और इसका नाम अमाउंट का अमाउंट ही रखते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम क्यूरी में लिंक करना आपको सिखाए थे, वही चीज हम यहां पे करें, क्यूरी थ्री में जाते हैं, डायरेक्ट करते हैं यहां पे। तो ये जो हमने लिख रखा है ना, इसको मैं यहां से हटा दे, ठीक है। यहां पे हम बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर्म्स, फिर यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉर्म का नेम फॉर्म वन, फिर ओके एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां पे सी ए फील्ड, ठीक है, कॉमा करते हैं, और बाकी चीज तो सेम है। तो इसकी हम इसको कॉपी करते हैं, इसके बगल में पेस्ट करते हैं, सीएन के जगह पे क्या हो जाएगा, एमबी, मोबाइल नंबर के लिए, और कॉमा फिर पेस्ट करते हैं, यहां हो जाएगा एमआउट, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहां पे इसको हम ठीक करते हैं क्लोज, और सर यहाँ पे मुझे यहाँ गलत हो गया, मुझे यहाँ पे ये देना था ना, सब में दिक्कत होगा फिर। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, है ठीक है।
अब फॉर्म वन पे जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे लिंक करना होगा, रन के क्यूरी रन कैसे होगी, तो डिजाइन क्यूरी में हम आते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर, सॉरी गलत हो गया, यहाँ बटन पे जैसे बटन सिलेक्ट करते हैं, मुझसे पूछता है क्या करना है, तो रन क्यूरी कौन सा क्यूरी, तो क्यूरी थ्री को रन करता है। नेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे सेव डेट और यहाँ पे नेक्स्ट एंड फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म को करते हैं क्लोज, फॉर्म वन। अब यहाँ पे मान लीजिए हम नाम लिखते हैं प्रवीण, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे अमाउंट, और सेव डेटा पे क्लिक करके यस कर देते हैं। तो देखेंगे एक रिकॉर्ड आपका डेटा में ऐड हो, ठीक है सर। ओके तो इस तरह से हम फॉर्म खुद से डिजाइन करके इंसर्ट क्यूरी के जरिए लिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉर्म लिंक करना है तो क्रिएट फॉर्म कर दें, या डिजाइन करते समय डालते हैं तो मल्टीपल फॉर्म्स वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन किसी भी क्यूरी को मैं अगर अपने हिसाब से रन करना चाहूँ तो कैसे रन हो, तो चलिए वो भी हम आपके साथ बात करते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे डेटा, फिलहाल हम डेटा लेना चाहते हैं कि गेट ऑल डेटा, ठीक है, इसमें सिलेक्ट किए और इसके इवेंट में प्रॉपर्टी शीट में यहाँ आपको इवेंट में आएगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया कोड बिल्डर, क्या सिलेक्ट कर लिया कोड बिल्डर। कोड बिल्डर सिलेक्ट होते ही आप कहाँ चले जाएंगे, हाँ बीवीए कोड में। अब यहाँ पे हमें अपनी एसक्यूएल क्यूरी लिखनी है, तो हमने यहाँ पे एक लिया डिम एस एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने किया एस सुजीत इक्वल, बोलिए जी, आपने क्वेश्चन किया था ओल्ड सुजीत जी, डेटा, आपका क्वेश्चन क्या था। हाँ मतलब ओल्ड डेटा पुराना ऑल ऑल डेटा सुजीत। लेना, मतलब कि मुझे जो सिलेक्ट क्यूरी हम चलाते हैं ना हाँ उसी चीज को हम वीवी के थ्रू करना चाहते हैं, ओके सिलेक्ट स्टार सेलेक्ट फ्रॉम ऑल डेटा डेटा, ठीक है। तो एक क्यूरी लिखते हैं ना डेटा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इस क्यूरी को अगर मैं किसी क्यूरी में लिखूंगा तो क्या होगा, बताया था ना आपको सिलेक्ट क्यूरी, हाँ, सारा डेटा आ सारा जाएगा डेटा हो गया जी। तो यही उस टेबल काम में हम जो भी बटन पे हमें क्लिक करके चाहिए। करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके आता है सी एम डी डॉट, नहीं सी एम डी डू सी एम डी, डू सी एम डी डॉट रन एसक्यूएल, और इसके बाद आपको अपना एसक्यूएल क्यूरी दे देना है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम सेव करते हैं। अब मैं फॉर्म पे आता हूं और गेट डेटा पे क्लिक करता हूं। एक मिनट, तो यहाँ पे डू सी एम डी में रन, अच्छा हाँ रन रन एसक्यूएल हो, वो नीचे वो चला गया नीचे सर, चला पहले गया से चला पैसे। गया रन से, अच्छा हाँ वो आया आया तो रन रन स्कोर आया स्कोर है, हाँ सेव रन को सेव स्कोर तो को। मैं सर्च कर रहा हूँ, इसके अंदर में हम एस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम डिफॉल्ट छोड़ देते हैं,
रन एसक्यूएल एक्शन रिक्वायर्ड टू आर्गुमेंट कंसिडरिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट। ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। चलिए इसमें हम देखिए इसमें बड़ी नेम खबर फ्रॉम है डेटा रेडियो। नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुआ। देखिए यहाँ पे हम अपना इंसर्ट क्यूरी जो है वो चला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान ओके लीजिए यहाँ पे हम देते हैं कि इन यहाँ पे इंसर्ट इनटू डेटा, और यहाँ पे हम देते हैं सी नेम, सी नेम कॉमा मोबाइल कॉमा अमाउंट, ठीक है। और इसी के अंदर हम यहां देते हैं वैल्यूज, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर हम ब्रैकेट में, अब यहां पे जो मुझे लिखना हो, ऐसे मुझे पूजा लिखना है तो डायरेक्ट पूजा नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूजा को इन्वर्टेड कॉमा में मुझे देना, इसमें देना है इन्वर्टेड कॉमा, कि इन्वर्टेड यहां पे मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा से पता चलेगा कि इसे आगे इन्वर्टर प्रिंट होगा, इन्वर्टर कॉमा प्रिंट होगा, बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। और यहां पे हम 500 और फिर यहां पे क्लोज कर, देखिए इससे यहाँ पे हम करते हैं एमएसजी बॉक्स में आप डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो देगा, जो हमने कोड यहाँ लिखा है ना शुरुआत में स्टार्टिंग में, तो ये पूजा को इन्वर्टर कॉमा में इतना प्रिंट करे। हम यहाँ पे डू सीएमडी डॉट रन एसक्यूएल और यहाँ पे हम एस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ना हमने यहां पे, देखिए आगे एंट्री हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इस सेम एंट्री हम किससे करा सकते हैं, इस बटन से करा सकते हैं, अगर करा सकते हैं, ये जब भी क्लिक करेंगे तो डेटा एंट्री कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो फिक्स डेटा एंट्री कर रहा है, हमें ये जो यहाँ जो डेटा है, इस डेटा को मुझे फॉर्म से लेना है, समझे सर। तो हाँ स्पेस यहाँ पे स्पेस देके अंडरस्कोर करके नीचे हम एंटर करते हैं ताकि एक कोड को एक लाइन माना जाए। तो जो पूजा है इसको मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये पूजा फॉर्म से आना चाहिए और इसी फॉर्मेट में आना चाहिए जिस फॉर्मेट में है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा मी डॉट सी एन डॉट वेल वेल, और फिर यहाँ पे मी डॉट एम बी डॉट वेल, और यहाँ पे मी डॉट अमाउंट डॉट वेल, हम्म।
अच्छा इसमें वर्क नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको इनवर्टर कॉमा डाल देता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं एस इक्वल टू एस के साथ कंबाइन इनवर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको रन करूंगा, मान इसको रन कर रहा हूं तो यहां पे दिख रहा है सीएम डॉट वैल्यू दिख रहा है, क्यों? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो आपका आ रहा है यहां पे, मुझे इसको कंबाइन करना है, तो इसको एन परसेंट देन अगेन एन परसेंट, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा में मैंने लिख दिया तो क्या मैं समझ लिया, टैक्स समझ लिया ना सर, तो इसके हम इसके साथ इसको हम कंबाइन करना हो इन्वर्टर कॉमा में, कॉमा को भी और इसको भी। एक स्टेटमेंट आपको बनाना होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाना होगा। जैसे मैं मान लीजिए यहां पे एम एस जी बॉक्स के अंदर हम एस को डालते हैं, जैसे हम इसको रन करेंगे ये पूछ रहा है, दिख रहा है इंसर्ट इनटू डेटा, यहां पे दिख गया नेम, अब ये जो दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई डेटा अभी डाला नहीं है। जैसे यहां पे हमने डाल दिया पूजा, यहां पे नंबर डाल दिया और यहाँ पे हमने 500 डाल दिया। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको इंसर्ट इनटू डेटा सीएम मोबाइल, और यहाँ पे वैल्यूज के अंदर में पूजा नंबर एंड 5000 दिख रहा है, ठीक है सर? तो ये जो हमने इतना सारा जो किया है ना इस पे, इससे यही कंबाइन हुआ, इस फॉर्मेट में कंबाइन हुआ है, ठीक है? और जैसे ओके करते हैं, यहाँ पे देखिए पूजा एंट्री नहीं ले रहा, ठीक है? और डेटा पे आते हैं, यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे ये तो ले लिया, नंबर तो ले लिया, ले लिया है, बट पूजा को नहीं ले रहा, मतलब नेम को नहीं ले रहा है, और नेम को न लेने के पीछे वैल्यू क्या है, क्योंकि सी एन डॉट वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, हमें इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, एन परसेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा एन परसेंट, और फिर यहां पे हम करेंगे एन परसेंट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए जैसे यहां पे फॉर्म वन को रन करता हूं, गेट रन कर दी, ठीक है, यहाँ पर अभी भी पूजा नहीं आया, नहीं अभी भी नहीं दिया, नेम कंसीडर नहीं कर रहा है। अब इसमें हम एक सिंगल दे देते हैं, यहां भी एक सिंगल दे देते हैं, हमें पूजा को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखना है सर, समझे? यहाँ देखिए नहीं, तो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आ गया, गलत हो गया। एक बार वो टेबल में जाके देखिए ना, क्या क्या आंसर हुआ। नहीं हुआ, नेम इंटर हुआ, नेम इंसर्ट ही अच्छा, नहीं हो रहा है, नेम इंसर्ट नहीं हुआ। एक रुक जाइए, हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ये हटा देता हूँ और यहाँ भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, और यहाँ हम अब इसको रन करके देखते हैं, बस इन्वर्टर कॉमा जो है आना चाहिए, हाँ दिख गया, पूजा आ गया इन्वर्टर कॉमा के बीच में, आ गया सर, देन ओके, और यहाँ पे हमारी डेटा एंट्री हो गया। अब डेटा टेबल में देखें, या एक मिनट इसको खोल के बंद करना होगा, दिखे पूजा आ गया, प्रेगनेंट एंट्री हो रही ना सर,
तो जब आप वीवी हाँ के वो थ्रू तो इन्वर्टर चलेंगे, कॉमा में इन्वर्टर नहीं आया कॉमा में ना। नहीं आएगा किसमें? नहीं तो सर हमें क्यूरी के अंदर इन्वर्टर कॉमा डालना है ना सर। ओके हमें देखिए यहां पे दिख रहा है हमने वैल्यूज का क्या डाला है, तो जैसा आप यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी कोड लिख रहे हैं सेम कोड आपका वीवीए में लिखना चाहिए। तो रन इस रन सीएमडी रन एसक्यूएल को जो कोड यहाँ मिलेगा इसी फॉर्मेट में मिलेगा जिस फॉर्मेट में है, चाहे आप कहां से भी क्यों ना उठा। ठीक है हाँ समझे कि नहीं सर? समझ गया। तो इस इतना तामझाम क्यों किया गया है यहां पे? इतना तामझाम इसलिए किया गया, समझे? तो बेसिकली अभी तो हम ये ये जो डाल रहे हैं, पहले जो हमने डाल रहे हैं ना, एक पहले हमने स्ट्रिंग डिफाइन स्ट्रिंग किया, डिफाइन फिर किया, उसमें फिर उससे इंसर्ट इंसर्ट डेटा किया, डेटा किया वो डेटा कहाँ इसमें। पे हाँ इंसर्ट होगा उस डेटा को हाँ इसमें फाइंड हमने फाइंड। हमने क्या किया, अपना जो एसक्यूएल क्यूरी है उस क्यूरी को मैंने लिखा, पर उस क्यूरी के अंदर कुछ वैल्यूज हमें फॉर्म से लेने थे, तो हमने यहाँ पे कॉन्केट करके उस फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया ताकि जहां जहां हमें डेटा चाहिए वो जो है एसक्यूएल क्यूरी से उठा ले, समझे कि नहीं? हाँ हाँ समझ गया। समझे, क्लियर तो एक है? बार तो एक प्रैक्टिस बार करके प्रैक्टिस देखना करके पड़ेगा। देखना पड़ेगा। नहीं हाँ प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा, बट एक बात बट एक बताइए, बात जो बताइए डू जो डू कमांड रन कमांड एसक्यूएल रन एस है एसक्यूएल ना, एस है ना, इसका 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 फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन क्या क्या कर है, रहा है? क्या चल रहा है? देखिए डू सीएमडी हो गया, अब डू सीएमडी एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसमें आप अपना कमांड जो है जो इसके एक्सेस के जो बहुत सारे कमांड है, जैसे एंड मेनू बीप करना, जैसे बीप कर दिया तो बीप का आवाज आएगा, क्लोज करना, तो ये सब ये आपके आपका एक्शन है इसका, जो आपका फॉर्म है ना उस फॉर्म इसका क्या बोलते हैं एक्सेस का ऑप्शन है डू सीएमडी, इससे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि मैं फॉर्म बना रहा हूं, राइट? हाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। हमने यहाँ पे डिजाइन फॉर्म में आया, तो मान लीजिए कि हमने एक बटन डिफाइन किया, तो डिफाइन करने के बाद यहाँ जो हम यहाँ से जो विजार्ड सेलेक्ट करते हैं वही सेम काम आपका क्यूरी करता है, डू सीएमडी करता है। ठीक है इसको हम यहां से कैंसिल करके अगर हम यहां पे इसकी कोड बिल्डर पे आ जाते हैं और यहां पे लिख सकते हैं डू सी एम डी डॉट, अब यहां पे अगर मान लीजिए मैं बीप कर दिया, बीप किया ना सर, तो जैसे बटन में क्लिक कीजिएगा ओके बीप का साइन आया, ठीक समझ रहे हैं सर? समझ गया। उसी तरह से यहां पे और भी चीजें हैं कि मैं यहां पे अगर लिखूं डू सी एम डी डॉट, अब यहां पे फिल्टर अप्लाई करना हो गया या फिर क्लोज करना हो गया या फिर यहां पे इको करना हो गया, गो टू रिकॉर्ड गो टू, दिख रहा है आपको यहां पे जो वहां पे हम सिलेक्ट करते थे ना उस सारा, यहां पे इसे ओपन फॉर्म कर दिया हमने, ओपन फॉर्म। अब यहां पे फॉर्म नेम चाहिए तो हम यहां फॉर्म नेम कर दिया फॉर्म 1, ठीक है? यहाँ पे जैसे करते हैं देखिए, अच्छा फॉर्म 1 सॉरी फॉर्म 1 ओपन हो गया सर, समझे? समझ हाँ गया। उसी तरीके से यहाँ पे एक ही में डू सी एम डी डॉट, और यहाँ पे और भी चीज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि आप अब मान लीजिए बाहर से जब कंट्रोल से लेंगे तो आपको एक बार में एक ही होगा ना, यहाँ पे हाँ ओपन क्यूरी, सही यहाँ क्यूरी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि मान लीजिए मुझे सिलेक्ट क्यूरी चलाना है तो हमने क्रिएट क्यूरी भेजा यहाँ पे डिजाइन क्यूरी, और हमने यहाँ पे एसक्यूएल में गया आपने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है? अब यहां से मैं व्यू करूंगा फिर पूरा डेटा दिख जाएगा। अब इस 4 नंबर क्यूरी को क्यूरी नंबर 4 पे मुझे रन कर, समझे?
फिर हम लोग फोर को रन करना है। जैसे ओपन क्वेरी पे जाएंगे यहाँ पे आपको पूछेगा कौन सा क्यू, तो यहाँ आप देखिए जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे क्वेरी फोर को मुझे इन्वर्टर कॉमा में लिखना होगा ना, नेम हमेशा इन्वर्टर कॉमा में लिखाता है। आ गया सर, फॉर्म ओन भी ओपन हो गया, क्यूरी भी हो गया और बिप का साइन भी हो गया। तो हम एक ही बटन में कई सारे काम असाइन करते हैं डू सीएमडी से। अच्छा, डू सीएमडी में सिलेक्ट क्यूरी क्यों नहीं चल रहा, उसका रीजन क्या था? देखिए, सिलेक्ट क्यूरी करने के बाद उसको डेटा शो करना पड़े, तो डेटा शो कहां पे करेगा, बात समझ रहे हैं? डेटा शो करेगा कहां पे? तो डेटा शो करने के लिए यहाँ पे आपको क्यूरी करना पड़ेगा, मतलब आप सिलेक्ट क्यूरी डायरेक्ट रन नहीं कर सकते हैं किसमें, डू सीएमडी। तो बोलेंगे सर फिर करेंगे क्या, तो डू सीएमडी के अंदर इसमें जो सिलेक्ट क्यूरी चलाने के लिए फिर हमका वही अब करना पड़ेगा करंट डेटाबेस का जो मैंने लास्ट कल कर रहा था ना सर, डिफाइन करके डीम आर एल रिकॉर्ड सेट उसको यूज करना। जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि डेटा मुझे दिख जाए, डेटा दिख जाए, तो हमने यहां पे डेटा एक बटन ऑन लेते हैं कैंसल इवेंट, लिखेंगे डिम आर एस एज ए रिकॉर्ड सेट, फिर सेट आर एस इक्वल टू करेंट डीबी करेंट डेटाबेस डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और इसके अंदर में डालिए कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। बट ठीक है, रिकॉर्ड सेट रिकॉर्ड सेट इधर काम नहीं इधर करता काम है, नहीं एक्सेल करता में है, एक्सेल से एक्सेल रिकॉर्ड से सेट करता है। रिकॉर्ड सेट पता है सर? ये रिकॉर्ड सेट आपका काम कर रहा है, लेकिन डेटा शो कहाँ करना है, समझ रहे ना सर? वो तो दिया ही नहीं हमने। हाँ करेक्ट। हाँ सर, इसे डेटा लेकर आर एस पे डाल दिया, पर आर एस का डेटा का आउटशो होना चाहिए। तो यहां अगर मान लीजिए कि यहां पर हम कॉमा करके ओपन टाइप में ओपन डायनेमिक कर देते हैं, तब आएगा डायनेमिक सेट, नहीं अभी नहीं है, रिकॉर्ड सेट चल रहा है लेकिन रिकॉर्ड सेट कहाँ शो करेगा वो नहीं, इसको आपको शो करवाना पड़ेगा कहीं पे। तो अभी शो शो कहाँ पे कहाँ करवाएंगे, पे जैसे करवाएंगे, कोई जैसे लिस्ट कोई बॉक्स लिस्ट डाल के बॉक्स उसको डाल शो के शो करवाएंगे, फिर करवाएंगे। हाँ कोई लिस्ट बॉक्स एक्शन पे रजिस्टर एक्शन में करवा वही देंगे। आएगा कि हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में शो करवाएं और या फिर टेबल पे शो करवाएं, कहीं ना कहीं इसको शो करवाना पड़ेगा ना सर, इसका कोड देना पड़ेगा। पहले कहाँ दिखेगा, मतलब असाइन कर दिया लेकिन शो कहाँ होगा, डेटा दिखेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे में काम करते हैं, यहाँ पे एम एस
MSG बॉक्स में करवाया, तो बॉक्स MSG बॉक्स, यहाँ पे लिखते हैं आर ए, यहाँ पे आर एस डॉट सिल्ड वन, लिख गया पूजा, ठीक है सर। लेकिन डेटा इसने एक ही आया, डेटा क्या लाया, एक ही लाया। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करके डिजाइन में जाते हैं, और यहाँ हम लेते हैं अपना लिस्ट बॉक्स, सर और फिर यहाँ पे आते हैं हम इस पर, आउट मी डॉट लिस्ट, लिस्ट 11 डॉट लिस्ट, रिकॉर्ड सेट इक्वल टू आर एस, शायद वर्क करना चाहिए। नहीं, रिकॉर्ड सेट डॉट रो सोर्स इक्वल टू आर एस, टाइप मिसमैच आ गया। रो सोर्स में तो कमांड एसक्यूएल कमांड, डायरेक्ट कमांड लिख सकते हैं ना हम, डॉट कंट्रोल सोर्स, कंट्रोल सोर्स इक्वल टू आर एस, वीवीए में तो हम लिस्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, टाइप मिसमैच है। वीवीए में हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट वीवीए में आता है लिस्ट, एक्सेल में, एक्सेल वीवीए में, यहाँ पे डायरेक्ट हमें विन लिस्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे अच्छा, ऐड आइटम में अगर हम यहाँ पे इक्वल टू आर एस करते हैं तो, अच्छा आर एस यहाँ पे इक्वल टू आर एस डॉट, अच्छा यहाँ पे लूप लगाना है, फोर एच आइटम इन आर एस, और यहाँ पे आर एस ठीक है। नेक्स्ट, नहीं नहीं और क्यों करेगा, कोई नहीं, तो ये मैं बाकी हम कर लेंगे। कोई नहीं, और ये से यहाँ यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे डाला है ना, डायरेक्ट हम लिस्ट बॉक्स में डायरेक्ट लिख देंगे ना। अब याद होगा बताया था मैंने आपको, ए करने की आर एस करने की जरूरत ही नहीं, आर एस का भी यूज किया था जब कंडीशन वगैरह लगता है, एक आइटम ढूंढना होता है, ठीक है ना। यही पे अगर मैं लिख दूं रो सोर्स और इक्वल टू इन्वर्टर कमा में मैं दे दिया, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट ही दिखा देगा ना सर, डायरेक्ट डेटा दिखा देगा, दिखा दिया सर। तो इसका यूज जो है, हम ये जो रिकॉर्ड सेट वाला यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन ढूंढना है कि वेयर ए मैच होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं इसका। रिकॉर्ड सेट का यूज मैं कल कराने वाला हूँ, ठीक है सर। हाँ जैसे मान लिया रिकॉर्ड सेट ठीक आपने ले लिया, उसके लिए में से कुछ कुछ वैल्यू कंडीशन के हिसाब से मुझे ऐड करनी हो या चेक करनी हो,
यूजर फॉर्म टाइप का कुछ करना हो उस केस में इसका यूज करें। ठीक है, इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, आप रिकॉर्ड ठीक है, मुझे रिकॉर्ड भेज दीजिए। भेज देते हैं। ओके। ओके।